दोस्तों एक बार फिर स्वागत है अपने YouTube चैनल डॉक्टर मणि में। दोस्तों आज हम आपको हाई रिच कैप्सूल के बारे में बताने जा रहे हैं कि इस हाई रिच कैप्सूल को खाने से लोगों को क्या फायदा होता है, कैसे प्रयोग करना चाहिए और एक दिन में कितना प्रयोग करना चाहिए, किस कंपनी द्वारा बनाया गया है और इसका प्राइस क्या है, एक स्टीम में कितना कैप्सूल आता है। तो दोस्तों अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो बेल आइकन वाला बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब फॉलो शेयर करते रहे ताकि आपके बीच और भी अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहे। दोस्तों हाई रिच कैप्सूल जो है वह उतने समय यूज किया जाता है जब लोगों को बहुत ज्यादा थकान, कमजोरी, आलस, चिड़चिड़ापन, चक्कर आना, भूख न लगना, ब्लड की कमी या बहुत ज्यादा पोषण की कमी हो गई है, बहुत ज्यादा विटामिन की कमी हो गई है, तब उतने समय इस हाई रिच कैप्सूल का प्रयोग किया जाता है। यह ज्यादातर 35 से 40 साल के लोगों को सबसे ज्यादा ग्रसित करता है कि उनके शरीर के अंदर विटामिन की और मिनरल्स की कमी होने लगती है, क्योंकि वह ज्यादातर बाहर समय बिताते हैं, घर के भोजन का उनका कोई टाइम नहीं है कि कब उनको प्रयोग करना है। बाहर से जाते हैं, मार्केट से जंक फूड का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, बाहरी तेलों का उसमें बहुत ज्यादा मिक्सिंग किया रहता है, तो इससे उनका जो लीवर रहता है दिन प्रतिदिन खराब होता जाता है और उनके शरीर के अंदर बहुत सारी बीमारियां घर बसाना शुरू कर देती हैं। दोस्तों जिन लोगों के अंदर बहुत सारे विटामिन्स की कमी हो जाती है, मिनरल्स की कमी हो जाती है, वह तरह तरह की बीमारियों से ग्रसित होते रहते हैं, चाहे वह पुरुष हो या महिला हो। जो लोग अपने शरीर को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान हैं, बहुत ज्यादा उनको कमजोरी, आलस बना रहता है या विटामिन मिनरल की कमी होगी, वह लोग इस हाई रिच कैप्सूल का प्रयोग करके वह अपनी सभी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। दोस्तों चलिए जानते हैं कि इस हाई रिच कैप्सूल का खाने का सही तरीका क्या है। दोस्तों इस हाई रिच कैप्सूल को आप खाना खाने के बाद सोने से पहले आप एक कैप्सूल 24 घंटे में एक बार नॉर्मल पानी के साथ इसे आप ले सकते हैं। दोस्तों चलिए जानते हैं कि इस हाई रिच कैप्सूल में कौन कौन सा इंग्रेडिएंट मिलाया गया है जो हमारे शरीर में यह भरपूर एनर्जी भर देता है। दोस्तों इस हाई रिच कैप्सूल में बहुत सारे इंग्रेडिएंट को मिला करके यह कैप्सूल तैयार किया गया है, जैसे एलिमेंट कैल्शियम हुआ, एलिमेंट कॉपर हुआ, एलिमेंट मैंगनीज हुआ, फोलिक एसिड हो गया, विटामिन ए हो गया, विटामिन B6 हो गया, विटामिन ई हो गया, इसके साथ साथ विटामिन D3 हो गया, जिंसिंग हो गया, ऐसे बहुत सारे इंग्रेडिएंट इस कैप्सूल में मिलाए गए हैं। अगर इस कैप्सूल को जब आप लेंगे तो देखेंगे पीछे बहुत सारा इंग्रेडिएंट इस कैप्सूल में मिलाया गया है जो आपके थकान, कमजोरी, आलस, खून की कमी या आपका ज्वाइंट दर्द कराए या आपका कमर दर्द कराए तो वो सब में आपको राहत देता है। दोस्तों चलिए जानते हैं कि इस हाई रिच कैप्सूल का क्या कोई साइड इफेक्ट है कि नहीं। दोस्तों ऐसे तो इस हाई रिच कैप्सूल का कोई भी साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। अगर इस कैप्सूल को लेने के बाद आपके शरीर में कोई भी बदलाव चेंजिंग नजर आ रहा है तो उतने समय इस कैप्सूल को आप बंद कर दें, नजदीकी डॉक्टर से संपर्क कर दें। जैसे अगर आपको मखली आ रहा है, पलटी आ रहा है, आपका पेट दर्द कर रहा है या बहुत ज्यादा एसिडिटी की समस्या हो रही है, आपको कब्ज पड़ रहा है या बहुत ज्यादा आपका मुंह सूख रहा है, दाने निकल रहे हैं या आपको खुजली हो रहा है या चकत्ते निकल रहे, तो इस कैप्सूल को बंद करके नजदीकी डॉक्टर से कंसल्ट कर ले और सलाह ले। तो चलिए जानते हैं कि यह हाई रिच कैप्सूल जो है किस कंपनी द्वारा बनाया गया है, एक स्टिक में कितना कैप्सूल आता है, इसका प्राइस क्या है, कहाँ मिलता है। दोस्तों यह हाई रिच कैप्सूल जो है यह रणवैक्सी लेबोरेटरी लिमिटेड द्वारा बनाया गया है जो 15 कैप्सूल का एक स्टिक आता है जो लगभग आपको ₹180 का किसी भी रजिस्टर्ड मेडिकल स्टोर पर आप हाई रिच नाम बता करके इसे आप आसानी से ले सकते हैं और अपने शरीर के अंदर थकान, कमजोरी, आलस ऐसा दूर कर सकते हैं। दोस्तों यह हाई रिच कैप्सूल जो है क्रोमियम पिकोलिनेट मल्टी विटामिन एंड मल्टी मिनरल विद सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल है जो आपके शरीर में विटामिन की कमी को यह बहुत जल्द ही पूरा कर देता है। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो डॉक्टर हमारे चैनल को फॉलो से सब्सक्राइब करते हैं ताकि आपके बीच में और भी अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहे। देर ना करते वीडियो कहीं विराम देते हैं। जय हिंद।